आज रोज राजीव गांधी भवन खाते आ विशेष पत्रकार परिषद में तमाम पत्रकार भाई बहनों स्वागत है। अपनी वच्चे अखिल भारतीय महिला कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष अपने तो गुजरात सुप्रीम वाकिफ है, अवारनवा कार्यक्रम में महिला कांग्रेस अपना प्रचार स्टार प्रचारक तरीके होता एवं नेता डिसोजा जी एआईसीसी तरफ लोकसभा की चूंटनी गुजरात मे मीडिया कोओर्डिनेटर तरीके नियुक्ति थी है एवं सचिन सावंत जी, विधानसभा कांग्रेस पक्ष नेता श्री सहेश भाई परमार, मारा साथी प्रवक्ता भाई श्री हमांग भाई, भाई हिंगेल भाई, अमित भाई, संजय भाई, अपना गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति उपाध्यक्ष जैन श्री गीताबेन पटेल उपस्थित है। हूँ समय ने न लीधा सिवाय आज पाछला 10 वर्ष अंदर केन्द्र सरकार तरफ से जो स्थिति थी अत्यार प्रजा मे ये तमाम मुद्दा सिवाय सौथी अगत्यनो मुद्दो आगामी दिवसों की अंदर एट्ले 14 तारीख थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू थी है ये बाबते पर नेता डिसोजा जी सचिन सावंत जी अपने संबोधन करते। हूँ विनती करूँ छू सचिन सावंत जी ने पहला पहला अमे विमोचन कर दी और त्यारबाद नेता डिसोजा जी बोल से त्यारबाद सचिन सावंत जी पर बात करते माननीय नेता डिसोजा जी। भारत न्याय यात्रा मौजूद हो यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है देश हित में। आप सभी ने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से आम इंसान, आम लोग राहुल गांधी जी से मिलके अपने दुख, दर्द और पीड़ा बताएं, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा से लाखों लोग हिम्मत आई बाहर अपने घरों से निकल के देश के लिए एक आवाज बनने की, अब वक्त आ गया है 14 जनवरी से देश हित में, जनता के हित में, लोगों के हित में और देश के आने वाले पीढ़ियों के हित में भारत जोड़ो न्याय यात्रा। न्याय क्यों? क्योंकि न्याय जो है कहीं ना कहीं आप और हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है न्याय। पर कहीं ना कहीं जब से इस देश में पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार केंद्र में है, न्याय ये जो शब्द है ना,
भाजपा की सरकार और भाजपा के नेतृत्व खास करके मोदी जी के लिए ये शब्द बहुत हल्का शब्द है। न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि इस यात्रा के माध्यम से हम देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आइए बिना डरे। ये यात्रा कोई पार्टी का यात्रा, कोई एक व्यक्ति का यात्रा, या कोई विशेष दल का यात्रा, या कोई एक कांग्रेस, ये सिर्फ कांग्रेस का यात्रा नहीं है। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा आम जन जन का यात्रा है। ये यात्रा में आपके माध्यम से मैं सभी जो भी लोग पीड़ित हो, जिनको भी लग रहा है कि वो इन 10 सालों से उन्होंने देश में तानाशाही महसूस किया है, जो युवाएं बेरोजगार हैं, जो महिलाएं बढ़ती हुई अपराधों से, और जो महिलाएं बढ़ती हुई जो महंगाई से पीड़ित है, जो फार्मर्स पीड़ित है, जो किसान पीड़ित है, जो व्यवसाय करने वाले बिजनेसमैन पीड़ित है, वो इस यात्रा में जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से गुजरात के लोगों को और जनता को, क्योंकि आप ही के माध्यम से चीजें आगे भी बढ़ेगा, उनको ये बता देना चाहती हूं कि ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने का ये यात्रा चलेगी। ये यात्रा जो है न्याय के लिए जो है वो 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हो रहा है। याद कीजिए, मणिपुर, जब आप और हम और पिछले 1 साल से अगर आप याद करो तो मणिपुर को जब हम याद करते हैं तो किस तरीके से याद करते हैं। मणिपुर में पिछले 8 महीने से, जो 8 महीने से मणिपुर जल रहा है, दुख की बात है कि 8 महीनों से मणिपुर जल रहा है और आज तक प्रधानमंत्री जी में ये हिम्मत नहीं हुई है कि वो मणिपुर के बारे में बात भी करे। मैं आज भी जब याद करती हूँ वो दो देश की बेटियों को, मणिपुर की बेटियों को, जिसके शरीर पे वस्त्र नहीं थे और जिनका रेप किया गया। मैं खुद मणिपुर 8 दिन रह के आई हूँ, मुझे पता है मणिपुर का हाल क्या। भाइयों, मणिपुर से ये यात्रा शुरू हो रही है। 14 जनवरी को राहुल गांधी जी और पूरे लोग राहुल गांधी जी के साथ मिलके ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक वो मणिपुर के बेटियों को, मणिपुर के लोगों को समर्पित करते हुए ये यात्रा यहां से शुरू होने जा रही है। 66 डेज, 6,713 किलोमीटर, ये यात्रा करीबन, ये यात्रा 15 स्टेट्स, 15 राज्यों से गुजरते हुए, 110 जिलों से होते हुए 20 मार्च को मुंबई पहुंचेगी। इसका समर्पण मुंबई में होगा। आप भी से बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि इस यात्रा से अगर जुड़ना है तो कैसे जुड़े। मैं आपको बता दूं कि ये जो यात्रा है उससे जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी और ये बता दूंगी कि इस यात्रा में कोई भी आम जनता, कोई भी इंसान जुड़ सकता है इस यात्रा से। इस यात्रा से जुड़ने के लिए आपको केवल या तो वेबसाइट पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा .com bharatjodonyayyatra.com इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी जिसके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को
फोन के माध्यम से, मोबाइल फोन एक मोबाइल नंबर भी है जिसपे आप केवल एक मिस कॉल दोगे और वो मिस कॉल के माध्यम से आप इस यात्रा से जुड़ सकते हो। मिस कॉल नंबर है 9891802024। मैं दोबारा इस नंबर को रिपीट करूंगी, 9891802024। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा से आप जुड़ोगे और यात्रा जहां जहां से जा रहा है, जिस रूप से जा रहा है, उस यात्रा में क्या हो रहा है, आपको हर बात का पता चलेगा। ये यात्रा से ताकत आप केवल उस एरिया के लोगों को नहीं बल्कि पूरे देश जो पीड़ित है आप उस उन सब का आवाज करोगे। साथ ही साथ मैं आप प्रेस के माध्यम से देश के अनगिनत लोग जो कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की क्षमता जानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी को दिल से चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगी कि डोनेट फॉर देश जो है इस अभियान से भी जुड़े, उसके लिए आपको donateinc.in पे जाके आप अपना योगदान दे सकते हो। 138 रुपीज से लेके आप जो भी देना चाहते हो वो ऑप्शन है। अगर किसी को भी 10 रुपया भी देना है ना तो आप सागर आमंत्रित है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस डोनेशन ड्राइव में हिस्सा ले। आपके माध्यम से मैं सबको ये अपील करती हूं। अब इस यात्रा में कौन कौन रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इस यात्रा में कौन रहेंगे। ये यात्रा कोई अमीर पूंजीपतियों का यात्रा नहीं है, ये यात्रा कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन जो स्पॉन्सर करेंगे उनका यात्रा नहीं है, ये यात्रा आम जनता का है। इस यात्रा में हर इंसान जो पीड़ित है, हम इस यात्रा से सारे सीनियर सिटीजन, सीनियर कांग्रेस लीडर्स, जो राहुल जी भी साथ में रहेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स विभिन्न पार्टियों से, जो पार्टी को लगता है कि वो देश हित में कुछ करना चाहते हैं और जो भाजपा से तंग आ चुके हैं, वो सभी इस यात्रा में जुड़ सकते हैं। ये यात्रा के दरवाजे हर भारतीय नागरिक के लिए खुला है। मेरे प्रेस के भाइयों, आप सब जानते हो कि देश का जो हालत है आज, कि देश जिस परिस्थिति में, इससे पहले मैं आपको सिर्फ उसका रूट बता देना चाहूंगी, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं कि जो 15 स्टेट्स है वो कौन कौन से 15 स्टेट्स है जिससे ये यात्रा होते हुए आएगा। ये यात्रा इम्फाल को, ये यात्रा मणिपुर से होते हुए नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए जाएगा। जी हाँ, ये यात्रा गुजरात से गुजरेगी। ये यात्रा करीबन 445 किलोमीटर गुजरात में 5 दिनों के लिए और 7 जिलों से गुजरेगी। बिना डरे लोग, आपके माध्यम से ये सुन के मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग तंग आ चुके हैं भाजपा शासन से, जो लोगों को पता है आज भी, याद कीजिए, मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रही हूं, एग्जाम्पल तो लाखों लाख है यहाँ पे गुजरात में, क्योंकि गुजरात के लोग खूब जानते हैं कि प्रचार प्रसार और किस तरीके से भाजपा सरकार केवल एडवर्टाइजमेंट को यूज करते हैं, बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं, रेवड़ी भी नहीं मिलता है। याद करो मोदी जी, मैं आपके गुजरात में हूं, आज आप यहां पे हो, गुजरात में अहमदाबाद में हो, वाइब्रेंट गुजरात के लिए क्या वाइब्रेंट है, बड़े बड़े एमओयू करने से कुछ वाइब्रेंट होता है, केवल अधूरे एमओयू।
मैं मोदी जी को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगी, धोलेरा सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मोदी जी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो कब था? जब आप सीएम थे शायद। अब तो आप पीएम भी बन गए हो, क्या आपका सपना अधूरा है? जो अपने खुद के घर के सपने, जो खुद गुजरात में सीएम रहते हो, वो सपने को साकार नहीं कर पा रहे हो, देश को बर्बाद कर रहे हो। आपके घर में मैं कुश्ती करेंगे, दिखाइए धोलेरा सर को कि आपने वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया है। आपका सपना बहुत सारी चीजें अगर मैं बोलने जाओ, सी प्लेन कब उड़ी, कहां से सी प्लेन उड़ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। पर आज महिला होने के नाते और मुझे विश्वास है गुजरात की सभी बहने बिल्किस बानू के लिए उनका दिल होता है, क्योंकि बिल्किस बानू जो है वो सबसे पहले एक महिला है। 21 साल से वो न्याय की गुजार, न्याय की भीख मांग रही है। यार आप सोचिए उस महिला के बारे में जिसके बच्चों का गला उसके सामने काटा गया और फिर उस महिला का बलात्कार किया गया। आज 11 दोषी को गुजरात की सरकार ने क्या किया? बाइजत बली अच्छे आचरण के चलते। कैसे अच्छे आचरण? क्या बलात्कार करना अच्छा आचरण था? सोचने वाली बात है। मेरी और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए और गुजरात सरकार के फैसले को पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाया, यानी कि तानाशाही पे सवाल। आज ये 11 लोगों को ढूंढना मुश्किल हो गया है। कहां है ये 11 लोग? इनकी तो स्वागत फूल मालाओं से और उनको और मिठाई बांट के शुरू हुई थी स्वागत। न्याय मैं बिल्किस बानू से को कहना चाहती हूं, बिल्किस जी आइए बाहर, भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से गुजरे गुजर रही है, आइए हम सब आपके साथ हैं। और मुझे विश्वास है कि बिल्किस बानू के साथ, क्योंकि हम महिलाओं की सबसे बड़ी जो धर्म और कौम है वो महिला होना हमारा कौम है। मुझे विश्वास है गुजरात की महिलाएं जो है जिस धरती से कस्तूरबा जी निकली है, जिस धरती से महात्मा गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल निकले हैं, उस धरती के महिलाएं जो है बिल्किस बानू के सपोर्ट में निकलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद करती हूं कि गुजरात की हमारी बहनें और गुजरात के हमारे पुरुष भाई, क्योंकि गुजरात के जो हमारे भाई लोग हैं मुझे मैं जानती हूं कि बहुत महिलाओं को इज्जत देते हैं, महिलाओं की इज्जत में मुझे विश्वास है कि आप यहां से बड़ी संख्या में यहां पे हो रहे अत्याचार, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे हैं, उसके चलते आप सब बड़ी संख्या में भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हैं। बेरोजगारी, न्याय, बेरोजगारी, सोचिए। अब आप सोचोगे न्याय और बेरोजगारी ये दो शब्द कहां गए? प्रधानमंत्री जी के 1 करोड़ नौकरियां 10 साल, 1 करोड़ नौकरियां कहां गए? आज सच्चाई ये है कि देश में जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स है ना, 3 ग्रेजुएट्स में से 1 ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिलता है। और देश में अगर बेरोजगारी की बात करें तो 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस दौर में है। मोदी सरकार ने, मोदी जी ने, उनकी गलत नीतियों ने, उनकी गवर्नमेंट ने देश को और देश के युवाओं को बेरोजगारी की ओर धकेल दिया है। महंगाई आप और हम जानते हैं क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं,
याद कीजिए जब आप अपने बाइक्स में पेट्रोल भरते थे और उस समय पेट्रोल का दाम 60 रुपया, आज पेट्रोल का दाम क्या है? उस समय पे जब पेट्रोल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 8 से 3 गुना था, आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ है, गैस सिलेंडर्स 415 रुपया आज 1000 रुपया का, क्या महंगाई सबसे बड़ी दुश्मन अगर हम देश की महिलाओं की है तो वो महंगाई। महंगाई ने मध्यम वर्ग के और गरीब वर्ग के जो घरों से उनका रोज का जो दाल चावल रोटी सब्जी छीन लिया, दवाई भी महंगे हो गए। और दुख की बात है जब हम जीएसटी की बात करें तो शमशान घाटों पे भी जीएसटी, और जब किसी को दफना रहे, किसी का अंत्येष्टि कर रहे, अस्पतालों की बेड तक को नहीं छोड़ा है, जिस अस्पताल के बेड पे मरीज जाते हैं उस तक को नहीं छोड़ा है। कितना असंवेदनशील सरकार है, न्याय चाहिए हमें और न्याय के साथ इस अन्याय से आजादी, और ये इस यात्रा के दौरान होगा। साथ ही साथ हमारे ट्राइबल्स एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के साथ जिस तरीके से पिछले 10 सालों में इनके अपराध बढ़े हैं, अगर मैं बात करूं हमारे दलित भाइयों की और बहनों की, तो 2013 से एनसीआरबी की डेटा कहती है कि कांग्रेस पार्टी या यहां पे हम प्रवक्ता नहीं कह रहे हैं, ये एनसीआरबी की डेटा कहती है कि 45% से ज्यादा अन्याय, 45% इंक्रीज हुआ, 45% बढ़ोतरी हुई है अन्याय एससी एसटी। और साथ ही साथ 50% इंक्रीज हमारे आदिवासी भाई बहनों पे। मैं राष्ट्रपति जी को भी कहूंगी कि आप भी एक ट्राइबल हो, आप भी एक महिला हो, सोचना चाहिए, न्याय की जरूरत है देश में। और ये 2013 से खड़ा है, एनसीआरबी की डेटा देगी। साथ ही साथ मोदी सरकार क्यों कास्ट सेंसस से डर रहा है, वो क्यों भाग रहा है इससे, ये जवाब देना पड़ेगा हमको देश। अब एक महिला होते हुए अगर मैं महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचार में पूरा देश में जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे इसके मैं बात करूं तो वो गलत होगा। आपको पता है, आप क्या सोच सकते हो कि अब पिछले 1 घंटे से अगर आप यहां पे बैठे हो तो 1 घंटे में, इस 1 घंटे में देश के विभिन्न कोनों में, पूरे देश के, हमारे भारत देश में कितने महिलाओं पे अपराध हुआ होगा? या अपराध छोड़ो, अपराध तो बहुत ज्यादा है क्योंकि FIR तो रजिस्टर नहीं होता है आजकल, कहा जाता है FIR मत करो क्योंकि उनको डेटा कम दिखाना है। मैं पूछती हूं ये 1 घंटे में कितने FIR रजिस्टर होते हैं देश में? 51, 50 के करीब हर घंटे में पूरे देश में। इसका मतलब मेरी बहनें, आपकी बहनें, आपकी माताएं, देश की बेटियां, सिर्फ कहने की बात बड़ी बात है कि दे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये नारे बड़े अच्छे लगते हैं पर जब असलियत देखा जाता है तो यही बलात्कारी जनता पार्टी है जो अपने ही एमपी, अपने ही पार्टी के उच्च पदाधिकारी, अपने ही आईटी सेल के विभाग के लोगों को पीएचयू
प्रधानमंत्री के खुद के पार्लियामेंट्री क्षेत्र में गुजरात में तो बिल्कुल मालूम केस है नहीं, वहां पे भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये जो तीन लोग निकले वो कौन निकले? बलात्कारी, भाजपा के आईटी सेल के लोग। और ऑफिशियली मैंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली में और दिखा दिया था सबूतों के साथ, प्रधानमंत्री जी उनके साथ, स्मृति ईरानी जी उनके साथ, नड्डा जी उनके साथ, बड़े बड़े मंत्री उनके साथ, योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ। अब वो लोग क्यों चुप है? कौन सा साफ सुन गया है? प्रधानमंत्री जी को देश को जवाब देना चाहिए कि क्या भाजपा, भारतीय जनता पार्टी उनके संरक्षक में बलात्कारी जनता पार्टी बन गई है? मेरी बातें शायद गुजरात में आप लोगों को लग रहा होगा कड़वी है, पर आपके दिल में अगर आप अपने अंदर आत्मा को पूछोगे तो आपको भी पता है कि ये सच्चाई है। और ये सच्चाई जो है वो गुजरात से शुरू होकर पूरे देश में फैलाने का काम मोदी सरकार कर रहा है। लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, झूठ पे झूठ बोलना, झूठे प्रचार करना, झूठे वादे देना और अपने आप को संत दिखाना, कोई इससे सीखे? मोदी जी, न्याय का वक्त आ गया और जब देश की जनता न्याय मांगने पे उतरेगी ना, क्योंकि ये वही देश है और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाई है, और एक बलात्कारी जनता पार्टी से आजादी दिलाने के लिए जब हमारे जैसे नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी बिना डरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ निकलेंगे ना, तब असली एहसास होगा आपको कि न्याय अब देश हित में जनता की मांग है। मोदी जी तो हर जगह पे फेल हो चुका है, एक जगह पे वो फेल नहीं हुआ है। किस पे बताइए? और आप सभी को अपने मन ही मन में पता है किस पे? ईडी, आईडी और इस सभी सरकारी तंत्र का प्रयोग करने में वो बिल्कुल सफल रहा है। सीबीआई, इन सभी को यूज करने में वो बिल्कुल सफल रहा है। प्रधान सेवक जी ने इनकी सेवाएं बहुत अच्छे से ली थी पिछले 10 सालों में। डराना, धमकाना, कैसे सरकारों को गिराना, लोगों को डरा डरा के कैसे मंत्रियां खरीदना, कैसे एमएलए खरीदना, ये कोई इनसे सीखे? हम तो इससे रंगा बिल्ला कहते हैं। और मुझे विश्वास है आप भी सहमत हो इस बात से, क्योंकि आपने तो दोनों रंगा बिल्ला पे यहां पे गुजरात में सहन किया है। और सहन करते करते लोगों को ये भी लगा होगा 10 साल ये हमसे दूर, वाह, पर 10 सालों में इसने देश को बर्बाद कर दिया। 10 सालों में उन्होंने राजनीतिक स्थल जो है ना उसको एकदम गिरा दिया। 10 सालों में उन्होंने, ये वही प्रधानमंत्री जी है जो एक समय पे कहते थे 56 इंच का सीना तान के और चाइना को जवाब देंगे। अब कौन सा जवाब, कैसा जवाब? आप तो खुलेआम जो इंपोर्ट्स आधे से ज्यादा आपने तो देश में पूरे के पूरे स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को बर्बाद करके रख दिया है। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ अभी भी बहुत सारे टाइज है। उठाइए कोई भी सामान, कौन सा मेक इन इंडिया हो रहा है? मेड इन चाइना का सामान बिकता है देश में,
आपके गवर्नमेंट दफ्तरों में योगा डे पे कौन सा मैट मिला? मेड इन चाइना वाला मैट। क्यों? देश के खादी ग्राम उद्योग से आप मैट लेके नहीं बचा सकते थे। चाइना, मेड इन चाइना, ये वही मोदी जी है जो जिसने जो फौज है ना, देश का फौज, उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। देश के लोगों में जो जज्बात होता था, मैं फौज में भर्ती होगा, मैं देश के लिए काम करूंगा, मैं देश के लिए अपना जान दे दूंगा, मैं देश के लिए समर्पण, सब अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं, उन युवाओं के जिंदगी को, उन युवाओं के भविष्य को और देश के सेना को बर्बाद करने का जो ठान लिया था पहले अपनी पद के माध्यम से, अपनी वीर के माध्यम से, मोदी जी बहुत सारे अन्याय किया है आपने इस 10 सालों में। नोटबंदी छोड़ो, हम तो तैयार थे अपने नोट्स को देने के लिए आपको, ताकि आप वापस देश में काला धन कहां पे छुपा है वो दिखा दे। पर काला धन तो दूर की बात है, 2000 रुपया का नोट आप लेके आए, अब आप ही वो 2000 रुपये नोट को वापस ले गए। क्यों? आपको अपने आप पे विश्वास नहीं था? कौन सा चिप था उसमें? कौन सा आईडी था उसमें? मोदी जी, देश आपसे जवाब मांग रही है और आपको हम चुनौती दे रहे हैं कि इन सभी मुद्दों पे आइए देश की जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। आपने डेमोक्रेसी को तक, आपने जिस तरीके से 146 MPs को लोकसभा से निकाल दिया, आप क्या समझते हो क्या इतना बड़ा तानाशाह है? कोई भी तानाशाह इतना लंबा नहीं चल सकता है। ये MPs तक को आपने जिस तरीके से, जो लोगों के, ये आपके चुने हुए MPs नहीं है, ये देश के जनता के, देश के लोगों के चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कोई अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि सवाल उठा, सवाल उठाओ घर तोड़ो, सवाल उठाओ आप उनको पार्लियामेंट से बाहर कर दो, सवाल उठाओ आपके जो प्रेस के, मीडिया के जो संस्था है, प्रेस हाउसेस को, मीडिया के चैनल से उसे बंद कर दो, लोगों के मुंह बंद कर दे। पर अब ना लोगों के मुंह बंद रहेगा, ना लोग शांति से बैठेंगे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है। और ये न्याय यात्रा जो है वो देश से आवाज बनेगी, भारत के लोगों को इंडिया एक बनेगा और दिखा देगा आपको कि वो दिन दूर नहीं है जो आपने, आपने जिस चक्रव्यूह में देश को बर्बाद करने की कोशिश की है, वो दिन दूर नहीं है जब आपको खुद देश, वो दिन दूर नहीं होगा जब आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को देश से भगाया ना, कई वो दिन दूर ना हो जब आपको भी देश छोड़ के भागना पड़े। मोदी जी, आपके सारे पूंजीपति दोस्त, अदानी हो या बहुत सारे नाम तो पूरे दुनिया को पता है, वो आपको भले ही साथ दे, देश की जनता इस बार ना आपको माफ करेंगे, ना आपको साथ देंगे। न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब निवेदन करूंगी यहाँ के गुजरात के जो आपके इंचार्ज मीडिया है, जो उनसे कि वो आपसे अपनी बात रखे। सचिन सावंत जी, धन्यवाद। माइक माइक चेंज कर दीजिए।
धन्यवाद नेता जी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पृष्ठभूमि नेता जी ने आपको समझाई और इसकी पृष्ठभूमि जो आज हमारी इस पत्रवाद वार्ता का मुख्य बिंदु के पिछले 10 साल अगर इसकी व्याख्या करें, इसका डेफिनेशन दें, तो ये अन्याय का था। सबसे बड़ी चोट अगर नरेंद्र मोदी जी ने और मोदी सरकार ने अगर पहुंचाई तो इस देश के लोकतंत्र को और देश के संविधान ढांचे को। आज इस देश की जो आइडिया ऑफ इंडिया थी, भारतीय सोच थी, जो स्वतंत्रता के संग्राम के बाद स्वतंत्रता संग्राम से जो मूल्य आए, उस मूल्यों के ऊपर आधारित और उसको चोट पहुंचाने का काम और जबरदस्त चोट पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। कल मैं आया था और हमारे कुछ प्रवक्ताओं ने मुझे अहमदाबाद घुमाया, बड़ी चकाचौंध दिखाई दी। बहुत जगह पे रोशनाई जो जितने दिए जलाए और ये दिखाने की कोशिश हो रही है पूरे देश भर में कि ये शाइनिंग इंडिया नंबर 2। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस दिए के नीचे, इस रोशनी के नीचे जो अंधेरा छुपा गया है, जिसको छुपाने की कोशिश की गई है, उसको दूर करने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनके लिए, जब नमस्ते ट्रंप करते वक्त जिनको पर्दे के पीछे छुपाया गया, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से इस देश के दलित पीड़ित शोषित लोगों को छुपाया जा रहा है। एक अलग दुनिया दिखाने की कोशिश हो रही, जो विकास हुआ नहीं उसको दिखाने की कोशिश हो रही और यह रोशना ही जो है उसके नीचे छुपाया था। ये इवेंट, ये जुमले, ये शब्द यहीं से आए और मैं गुजरात की जनता को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 12 साल 14 साल उन्होंने इसको देखा है। आज भी लोगों को जानकारी होगी या याद होगा कि पेट्रोल वो नल से आने वाला। अभी मैं रिवर साइड पार्क में वहां गया था, वहां देख रहा था कि वो सीप्लेन कहां है जिसकी बात नेताजी ने की, कहां गया उसे 2017 का चुनाव में प्रधानमंत्री जी खुद घूमे थे उसको। ये सपनों के सौदागर और भली बात गुजरात की जनता जानती है कि एक सपना, लोगों को सपना दिखाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं और उसके बाद अगर वो पूरा नहीं होता तो दूसरा झुंझुना हाथ में देते, दूसरे के बाद तीसरा देते, तीसरे के बाद चौथा देते। अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि जिस तरह के आश्वासन उन्होंने दिए थे, वो तो जुमले बन चुके। 15 लाख रुपए कहा गए, 2 करोड़ रोजगार कहा गए, किसानों की आय दुगनी होनी थी, 2022 में घर मिल गए थे, कुछ नहीं हुआ। अब नए नए झुंझुने, मोदी जी की गारंटी, मतलब ये चाइना के मार की भी गारंटी नहीं है, थोड़ी बहुत उसकी भी दी जा सकती है लेकिन मोदी जी की तो गारंटी दी नहीं जा सकती, क्योंकि झूठ पर झूठ बोलना इनकी फितरत है और लोग भली बात ही जान चुके। और जिस तरह से आज 10 साल में हमने देखा कि कुछ पूंजीपतियों के लिए ये सरकार काम करती है, आज दलित पीड़ित शोषित जो भी समाज के व्यक्ति गरीब उनको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। और ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यही उद्देश्य कि आज जिस तरह से नेताजी ने बात की, किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, युवा हो, सभी पीड़ित 10 साल से अन्याय झेल रहे हैं और ये न्याय यात्रा उनके लिए न्याय की बात करने जा रही है। और ये न्याय कौन सा होगा, ये होगा आर्थिक न्याय। जिस तरह से बेरोजगारी, जिस नेताजी ने कहा 45 साल में सबसे बड़ी ज्यादा बेरोजगारी आज देश में, युवा बहुत हद तक बेरोजगार है। और यहां मैंने सुना कि सरकारी नौकरियों के बारे में जब भी प्रश्न पूछा जाता है विधानसभा में उसे जवाब नहीं दिया जाता, भागती है सरकार। तो नौकरियां देने में इनके हाथ पूरी तरह से बंद जाते हैं।
ये जो एमओयू की चकाचौंध है कितने उद्योग आए? महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र से बहुत सारे उद्योग यहां लेके आके दिखाने की कोशिश की, कहां गया फॉक्सकॉन? विदाउट फॉक्सकॉन कहां गया? आज गोधरा का एयरपोर्ट ही नहीं बन चुका, कितने साल से बना है? गिफ्ट सिटी की बात करें, गिफ्ट सिटी की परिस्थिति क्या है? आज आपको दारू देनी पड़ रही। तो जो मुख्यमंत्री के हद से, मुख्यमंत्री के पद पर वो जो फेल हो चुके थे, हजारों करोड़ का नुकसान, वो जीएसटीसी का हो, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का हो, गिफ्ट सिटी जैसे हजारों करोड़ के निवेश से गुजरात की जनता का पैसा जहां लगा रहता है, डोहरा का हो, आज प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं ये महाराष्ट्र जो प्रोजेक्ट है वो पूरा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या गुजरात की जनता को उसका लाभ मिला? और यही बात हम लोग करें कि आज हर एक युवा को उसकी अपेक्षा हो, उसकी सोच के अनुरूप, उसकी काबिलियत के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए। उसको जिस तरह से इस देश में, गुजरात में, मतलब मैं देखता हूं यहां कि दिखाने की कोशिश हो रही है आर्थिक विकास हो रहा है गुजरात का, हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अब इंडिया में 14 नंबर पे चला गया गुजरात। तो ये जो आर्थिक असमानता है उसका अंत होना आवश्यक है। आज गरीब और गरीब होते जा रहा है, और जो बहुत ही पैसे वाला है वो अमीर है, वो और अमीर होते जा रहा है। इसको अंत करने की बात इस न्याय यात्रा में हो। यह आर्थिक असमानता जो देश में बढ़ती जा रही है कि 1% आबादी के पास देश के 50% साधन सामग्री है, इसको खत्म करना होगा। यही वस्तुस्थिति है, यही स्थिति है इस देश की। तो ये यात्रा आर्थिक न्याय की बात है, ये यात्रा सामाजिक न्याय की बात है कि जिसमें गरीब, पीड़ित, शोषित, दलित, जो भी पिछड़े वर्ग का, उसका इस राजनीतिक प्रवास में सहभाग होना आवश्यक है। सिर्फ गिने चुने उद्योगपतियों का नहीं, जिनके लिए पूरी तरह से नीतियां बनाते हैं। आज पूरे देश भर में सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है। हमारे धारावी का प्रोजेक्ट भी किस तरह से गया वो आपको मालूम होगा, किस तरह से 96% पोर्ट का पूरा उद्योग एक ही समूह के पास है, और जहां सिर्फ वही पोर्ट है जहां पूरे देश भर का सबसे ज्यादा ड्रग मिल जाता है। तो हम लोग बात करेंगे पिछड़े वर्ग, इस देश में जिस तरह से अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जाति जाति हो, धर्म धर्म हो, इसमें संघर्ष तैयार करने की कोशिश हो रही है, इसके अंत की बात हम लोग करेंगे। हम लोग सामाजिक सद्भावना की, राहुल जी जो पहल कर रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई, जो हम लोग सद्भावना की बात करते हैं, तो आज इस देश में नफरत और हिंसा को जो बढ़ावा दिया जा रहा है राजनीतिक रोटियां सेकने के, उसका अंत होना आवश्यक है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसकी बात करें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीतिक न्याय की बात करें, जहां बाबा साहेब अंबेडकर की जो सोच थी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जब संविधान की रचना की तो हमने बात की थी न्याय, समता, बंधुता, अभी उसको ठेस पहुंचाया जा रहा है। हम देखते हैं कि मोदी जी लक्षद्वीप में जाके डुबकियां लगाते हैं, लेकिन मणिपुर में जिस तरह से मेरी बहन ने बात की, मणिपुर में जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। क्या मणिपुर इस देश का पार्ट नहीं है? और इसी वजह से मणिपुर से, जिस तरह से उन्होंने कहा, मणिपुर से यात्रा शुरू हो रही है। न्याय की बात करेंगे तो जहां अन्याय सबसे ज्यादा हो रहा है वहीं से शुरुआत, और हर एक आदमी को प्रतिष्ठा, सम्मान, यही इस संविधान की सोच रही है। संविधान के ढांचे को पूरी तरह से तोड़ मोड़ दिया है। कभी आपने देखा होगा जिस तरह से इस देश के लोकतंत्र को पूरी तरह से खेत पहुंचाने का काम हो रहा है महाराष्ट्र में, जो वहां के विधानसभा अध्यक्ष ने जो निर्णय दिया, पार्टी ही चोरी कर दी। जो आरोपी है उन्हीं के हाथ में पार्टी दे दी। क्यों? क्योंकि अगर जनमत आपके हाथ में नहीं है, जनता आपके साथ नहीं है, तो इसको तोड़ दिया जाए, सरकार को तोड़े, एमएलए को खरीदे, पार्टी चुरा ले, इसके दुष्परिणाम आगे की आने वाली पीढ़ियों को भोगने पड़ेंगे। क्योंकि जो व्यवस्था रहित
देश तैयार करने की कोशिश हो रही है, मोदी जी की व्यवस्था, मोदी जो चल रहे वही न्याय, ये पूरी तरह से भारत के भविष्य को हांपता है कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, और इसको रोकना बहुत आवश्यक है। और यही पहल राहुल गांधी जी कर रहे हैं, यही पहल कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है, इस देश के संवैधानिक ढांचे को बचाने की आवश्यकता है, इस देश के भाईचारे को बचाने की आवश्यकता है, इस देश के सभी महिलाओं को न्याय देने की आवश्यकता है, इस देश के पीड़ित वर्ग को सबको न्याय देने की आवश्यकता है, सबको साथ में लेकर ये असमानता का अंत करने की आवश्यकता है, और यही न्याय यात्रा का मूल उद्देश्य है। निश्चित तौर पर मैं अभी मीडिया इंचार्ज करके यहां आया हूं, आपसे भविष्य में बहुत बार बातें होंगी, लोकसभा के पूरे चुनाव हम लोग आगे नींव रखेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, लेकिन यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज गुजरात जिस तरह से देश भर में दिखाया जा रहा है, जनता भलीभांति चाहती है, इस पूरे प्रदेश के सबसे बड़ा अन्याय इस गुजरात के आम आदमी को हुआ है। जब ये इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो आज हम पूछना चाहेंगे वो नैनो प्रोजेक्ट कहां गया, जो आपने मुफ्त में जमीन दी लोगों को, उद्योगों को, कहां गया, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, और वो जो प्रोजेक्ट आया था वो प्रतिमा अपनी बढ़ाने के लिए किया था, क्योंकि उसमें मुझा तो कोई लाभ नहीं था, 20 साल से तो उनको टैक्स भी माफ किया था, वहां जो कलकत्ता में जो एम्प्लॉयज थे, जो रोजगार जिनको दिया गया था, उन्हीं को इधर रोजगार दिया गया, गुजरात की जनता को रोजगार नहीं मिला, ये सभी सब लोगों के सामने है। तो मोदी जी की प्रतिमा बढ़ाने के लिए गुजरात का बहुत बड़ा नुकसान किया गया है, इसको रोकना बहुत आवश्यक है, और मैं निश्चित तौर पर यह अपेक्षा रखता हूं, और ये निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि 445 किलोमीटर ये यात्रा गुजरात से जाएगी, और हर एक जगह भव्य स्वागत राहुल जी का होगा, इस यात्रा का होगा, लोग शरीक होंगे इसमें, और इस न्याय जोड़ो यात्रा में, न्याय न्याय देने वाली यात्रा में न्याय योद्धा करके शरीक होंगे। धन्यवाद। यात्रा बैंक जी ने बताया मणिपुर से शुरू हो रही है, वहाँ परमिशन नहीं दी गई, तो जो आप परमिशन की बात कह रहे हो वो बिल्कुल सही है कि वो दे नहीं रहते परमिशन, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, आप बिल्कुल सही हो कि वो परमिशन देना नहीं चाहते थे, और अभी भी कह रहे हैं कि वो वहां पे शुरू होने देंगे पर वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठे नहीं होने देंगे, पर जो लोग जुड़ेंगे वो भीड़ नहीं होंगे, वो न्याय के योद्धा होंगे, तो न्याय के योद्धाओं को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, ये जो यात्रा निकलेगी गुजरात में, वो कौन कौन से गुजरात में जिलों में निकलने वाली है, उसका भी कोई रूट मैप आपको बता दिया जाएगा। दाहोद से होते हुए मांडवी का आपको ये बता दूं, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से जो शुरू हो रहा है मुंबई तक, उसके बारे में है, न्याय के बारे में है। मैं आपको जरूर ये कहूंगी कि जो भी रिलीजन है सब बहुत पर्सनल चीज होती है, हम सेक्युलर वैल्यूज में बिलीव करते हैं, ये देश एक सेक्युलर देश है, और जो है वो मैं आपको ये भी, क्या आप में से किसी ने जाके शंकराचार्य को पूछा कि उन्होंने क्यों मना कर दिया कि वो नहीं जाना चाहते हैं? कुछ तो है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूं कि उन सभी शंकराचार्यों की बात देश और दुनिया में फैलाओ, शंकराचार्य से पढ़कर कोई नहीं होता। कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिनिधि मंडल कोई शंकराचार्य जी से इस बारे में मिला? ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे है, और इस मुझे लगता है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हम इसे सीमित करें, पर सच्चाई ये है भाई, आप लोगों को भी सच्चाई पता है कि अभी तक मंदिर पूरे तरीके से बना नहीं है,
ये मंदिर के साथ घोर अन्याय होगा। शिखर के साथ धन्यवाद। आपने बताने विनती है 5 मिनट नाश्तो कर लियो और पछी